ये स्मार्ट डीपीयू है। स्मार्ट डीपीयू में आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्टली इसमें मेंबर्स क्रिएट करने होते हैं। F1 में जाके आप मेंबर्स क्रिएट करेंगे, 5 नंबर क्रिएट मेंबर्स, यस दबाएंगे, ये आपके सब हर एक मेंबर को क्रिएट कर देगा, ओपन कर देगा। आपके कोड क्रिएट हो गए हैं। अब आप इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई, मॉडिफाई आप करना चाहते हैं तो 2 नंबर दबाइए, 1 नंबर, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। सपोज करो मैं ABCD डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे आप उसको डिफरेंट डिफरेंट रेट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। हर एक मेंबर को आप अलग रेट दे सकते हैं। दैट्स इट। फिर आपको F4 में जाना है। F4 में आप डेरी नेम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे दीजिए, एंटर। टू पे आप मिल्क एनालाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका लैक्टोस्कैन और जो भी इंडिया में मिल्क एनालाइजर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। अभी मैं इस पे लैक्टोस्कैन सेलेक्ट कर देता हूँ, सपोज कीजिए। अभी 4 नंबर पे आपका वेइंग स्केल है, जो कि इंटरनल वेइंग स्केल आपको सेलेक्ट करना है, तो स्मार्ट डब्ल्यू आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर कर देना है आपको। दैट्स इट। बजर की सेटिंग्स हैं इसमें, आप काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं इसमें, आप मैनुअल कलेक्शन कर सकते हो, मैसेज करना है, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये सब सेट हो जाएगा आपका। फिर आपको मेन बात आती है कि रेट चार्ट कैसे डालना है। रेट चार्ट डालने के लिए आपको रेट चार्ट में जाना है। अगर आप KG फैट, KG SNF डालना चाहते हैं तो 1 नंबर पे जाना है, 1 नंबर पे फिर जाना है, फिर आपको काओ के लिए KG फैट, KG SNF, सपोज मैं 300 तो KG फैट डालता हूँ और 200 समथिंग मैं KG SNF डालता हूँ। ऐसे ही बफेलो में 400 मैं KG फैट डाल देता हूँ और 200 मैं SNF डालता हूँ। फिर हमारे को इसकी सेटिंग्स करनी है, रेट चार्ट सेटिंग्स 4 नंबर, 1 नंबर। इधर हमारे को सेलेक्ट करना है FATSNF फार्मूला फॉर काओ, सेम बफेलो के लिए FATSNF फार्मूला फॉर काओ। फिर हमें मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ सेट करना है काओ का और बफेलो का, ये मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। 2 से लेके 5 तक काओ चलेगा, 2 फैट से अगर 5 फैट आता है इसके बीच में तो काओ का रेट चार्ट वो पिक करेगा, जो आपने 300 और 200 काओ का KG फैट, KG SNF दिया है, और SNF आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही 4 नंबर पे, अब हमने काओ दिया था 5 तक, तो यहाँ पे 510 करेंगे, क्योंकि 510 से, 5.10 से वो बफेलो का उठाएगा। अब हम कलेक्शन में जाएंगे, कलेक्शन करेंगे, कोड डालेंगे, एंटर करेंगे, फिर अगर जो यहाँ पे वेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वेट कर रहा है कि ऑटोमेटिकली मिल्क एनालाइजर से डाटा आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अदरवाइज अगर मैनुअल कलेक्शन पे जाना चाहते हैं तो एंटर करेंगे और डाउन का बटन दबाएंगे। 650 सपोज कीजिए मैं फैट डालता हूँ, 950 मैं SNF डालता हूँ, ये मेरा रेट बन गया और फिर हमारा अमाउंट आ गया और वेट हमारा 0 हो जाएगा। एंटर करेंगे तो भी वो टेयर करेगा, इधर हमारी स्लिप बाहर आ जाएगी, ये कलेक्शन हो गया हमारा। अब सपोज कीजिए हम बाहर आ जाइए, अब हमारे को शिफ्ट रिपोर्ट निकालना है जो हमने कलेक्शन किया है, तो शिफ्ट रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो करंट डेट होगी वो ये पिक कर लेगा, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। काओ और बफेलो का आप अलग अलग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये जो हमने कलेक्शन किया था वो हमारा आ गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेंबर लेजर में जाएंगे तो मेंबर का, हर एक मेंबर का अलग अलग निकाल सकते हैं, कोड डालना है हमारे को, फिर हमारे को डेट डालना है। सपोज कीजिए मैं 2320 से मॉर्निंग, यहाँ पे 03032, लेफ्ट से बैक जा सकते हैं, 20 एंटर एंटर। ये हमारा जो हमने कलेक्शन किया था 1 नंबर का, जो भी अमाउंट होगा, पैसा होगा, वो सब आ जाएगा आपका। ऐसे ही हम, अगर सपोज कीजिए आपको पेन ड्राइव से रेट चार्ट डालना है तो इसके अंदर
CSV फाइल्स पड़ी हुई हैं काओ और बफेलो की, आपको पेन ड्राइव बैक साइड में लगाना है। इंपोर्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर आपको काओ का रेट चार्ट करना है फैट SNF वाला, तो आप एक नंबर दबाएंगे। इसमें अभी फाइल नहीं पड़ी है, तो मैं अभी फाइल डालूंगा और उसके बाद मैं इसमें कॉपी करूंगा। उस वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करता हूँ।